हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि टेक्नो कैमोन 20 फ़ोन में आप लोग ऑटो करेक्शन को कैसे ऑफ कर सकते हो। अगर आपके पास एक टेक्नो कैमोन 20 फ़ोन है और इस फ़ोन में जो आपको ऑटो करेक्शन को बंद करना है, अगर आप लोग यहाँ पर से जो है कुछ भी टाइपिंग कर रहे हो, किसी को भी मैसेज वगैरह भेज रहे हो या टाइपिंग कर रहे हो, तो टाइपिंग करने के बाद जब आप लोग स्पेस पे क्लिक कर रहे हो तो आपका जो ये जो भी आप लोग टाइपिंग करते हो गाइस वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जा रहा है या ऑटोमेटिकली जो कुछ दूसरा टाइप हो जा रहा है जब भी आप लोग जो स्पेस पे क्लिक करते हो। तो कैसे आप लोग जो इस ऑटो करेक्शन को ऑफ कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑटो करेक्शन को ऑफ करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कीबोर्ड को ओपन करना है। किसी भी सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। कीबोर्ड ओपन होने के बाद कीबोर्ड में ही आपको एक सेटिंग्स का भी ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट करेक्शन का, तो इस टेक्स्ट करेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही देख सकते हैं शो सजेशन स्ट्रिप, नेक्स्ट वर्ड सजेशन, ब्लॉक ऑफेंसिव वर्ड, सजेस्ट कॉन्टेक्स्ट, ऑटो करेक्शन। तो ये सब जो है इन सभी ऑप्शन को आपको ऑफ कर देना है, क्योंकि अगर ये ऑन रहेगा जैसे कि शो सजेशन या फिर सजेशन दिखाता रहे आपको, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड सजेशन जो आपको दिखाता रहेगा आपके कीबोर्ड में, अगर आपको ये सब नहीं चाहिए तो इन सबको बंद कर दीजिए। ऑटो करेक्शन को बंद करने के लिए देख सकते हैं ये रहा ऑटो करेक्शन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके इसको ऑफ कर दीजिए। ऑफ करते ही अभी जो है आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली करेक्शन नहीं होगा, जो आप लोग टाइप करोगे सिर्फ वही आपको आपके कीबोर्ड में या किसी भी टाइप में जो है आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से आप लोग चेक कर लीजिए, अगर ऑटो कैपिटलाइजेशन नहीं करना है, डबल स्पेस पीरियड ऑटोमेटिकली नहीं करना है, स्पेल चेक नहीं करना है, ग्रामर चेक नहीं करना है, तो इन सबको आप लोग ऑफ करके रखिए। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने टेक्नो कैमोन 20 फ़ोन में ऑटो करेक्शन को ऑफ कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।